गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को सिक्स क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 24, जिसकी डेट 21 दिसंबर 2020 रहेगी बच्चों, और ये आप लोगों की मंडे की वर्कशीट है। तो बच्चों, लास्ट वर्कशीट में भी हम लोगों ने आपके चैप्टर फेयर प्ले से कुछ अच्छी अच्छी बातों को देखा था। देखा था कि जुम्मन और अलगू चौधरी बहुत अच्छे फ्रेंड थे और जुम्मन की आंट उनके घर रहने के लिए आती है, अपनी प्रॉपर्टी उनको देती है, तो किस किस तरह से जुम्मन और उसकी वाइफ बहुत परेशान हो जाती हैं अपनी ओल्ड आंट से। तब उनकी जो आंट है वो अपना केस पंचायत में लेकर जाती हैं। तो आगे पढ़ते हैं, वी रीड दैट जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स एंड जुम्मन आंट रिक्वेस्टेड फॉर ए मंथली अलाउंस फ्रॉम जुम्मन आफ्टर सी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। हमने पढ़ा है कि जुम्मन और अलगू बहुत ही अच्छे दोस्त थे और जुम्मन की आंट ने रिक्वेस्ट किया था उनसे कि वह उनको एक मंथली भत्ता दें, क्योंकि जुम्मन उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी थी और अब वो काफ़ी परेशान हो गई थी, उनकी पत्नी भी परेशान हो गई थी, उनको जो दिन का थोड़ा बहुत भोजन होता है वो भी देने के लिए उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए वो अपना केस पंचायत की तरफ लेकर जाती हैं, और पंचायत में जब वो जाती हैं तो कुछ लोग तो उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं और कुछ उनको कहते हैं कि तुम अपने भतीजे और अब उनकी बहू के साथ अच्छे से रहो। तो इसी तरह से आगे देखते हैं कि सी डिसाइडेड टू गो टू द पंचायत फॉर हेल्प। फिर वो डिसाइड करती है कि वो पंचायत में जाएंगी कुछ हेल्प के लिए। नाउ लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। देखो बच्चों, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर ओल्ड बनियन ट्री। तो पंचायत शाम के समय पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे लगाई जाती है। जुम्मन स्टूड अप एंड सैड। जुम्मन खड़ा हो जाता है और बोलता है कि द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि पंच की आवाज़ में भगवान का वास होता है, भगवान का आदेश होता है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। तो अब मेरी आंट को नॉमिनेट करने दो कि पंच का हेड कौन होगा। क्या होते हैं, किसी के दुश्मन नहीं होते और किसी के शत्रु भी नहीं होते। दे आर इम्पार्शियल। वो तो क्या होते हैं, इम्पार्शियल होते हैं। वो किसी का फेवर ये नहीं करते हैं कि कोई उनका फ्रेंड है तो वो उसका ही फेवर करेंगे। व्हाट यू से टू अलगू चौधरी। तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या कहते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस। ओल्ड लेडी कहती है जुम्मन से कि जुम्मन, तुम्हारा अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना है। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुम्मन तो खुशी से मतलब उत्तर देता है, क्योंकि उसको क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड पीस होता है ये, कि मतलब अलगू को क्या बना दिया जाएगा, हेड ऑफ द पंच बना दिया जाएगा, क्योंकि अलगू तो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है ना बच्चों। तो चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। तो चाची, अलगू कौन कहता है, अलगू कहता है ये कि चाची क्या आप जानती हो मेरी फ्रेंडशिप जुम्मन के साथ कैसी है। सैड अलगू, अलगू ने ऐसा बोला, ठीक है। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट। तो आंट कहती है कि मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट टू किल योर कंसाइन फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी अंतरात्मा के लिए, अपनी फ्रेंडशिप के लिए अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे। मतलब जो तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी कि जो काम सही है, जो डिसीजन सही है, तुम वही दोगे। तुम अपनी फ्रेंडशिप के लिए गलत डिसीजन नहीं दोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, क्योंकि भगवान पंचों के हृदय में भगवान रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। एंड भगवान की और पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन द हर केस। और फिर वो जो लेडी थी वो अपना केस एक्सप्लेन करती है। जुम्मन सैड अलगू। जुम्मन अलगू से कहता है कि यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं एक अच्छे दोस्त हैं, है ना। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। और तुम्हारी आंट भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी है जितनी की तुम्हारी। नाउ आई एम पंच। और अब मैं पंच इन योर डिफेंस। तुम अपनी सुरक्षा में क्या कहना चाहोगे। 3 years ago, 3 साल पहले बिगेन माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। कौन कहता है, जुम्मन कहता है कि 3 साल पहले मेरी आंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी थी। एंड आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। और मैंने उनसे प्रोमिस किया था कि मैं उनकी देखभाल करूँगा जब तक वो जिंदा रहेंगी। आई हैव
आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने सारा कुछ किया जो मैं कर सकता था। ये बात किसने कही है बच्चों? ये बात कही है जुम्मन ने अलगू से कि मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। ये बाद में क्वेश्चन बनेगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, तो उसके बाद मेरी पत्नी और मेरी आंट में कुछ झगड़े रहे हैं, बट आई कांट स्टॉप इट, और उनको मैं रोक नहीं पाया हूँ। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी आंट ने मुझसे मंथली भत्ता मुझसे मांगना स्टार्ट किया है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और यह संभव नहीं है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, और यही कारण है कि मैं तुमसे ये बातें बता रहा हूँ। तो बच्चों इस तरह से पंच बुलाई जाती है। पंच का मुख्य है जुम्मन के बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन का जो बेस्ट फ्रेंड होता है अलगू चौधरी, उसको बनाया जाता है ना। तो ये कहती है ओल्ड आंट भी कि मतलब पंच नोज नेदर फ्रेंडशिप नॉर एनिमी। पंच जो बनता है ना वो किसी फ्रेंडशिप को किसी दुश्मनी को नहीं जानता, उसका डिसीजन बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए। तो इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। देखिए ए में दिया है, ए नंबर का क्वेश्चन है वेयर वॉज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग। बच्चों हमने पढ़ा ही है कि द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है हु वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड बाय होम, किसको चुना जाता है। पंच बिकॉज अलगू वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड एंड ही न्यू दैट ही वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच बाय दिस जुम्मन आंट मीन्ट दैट ए पंच वॉज ऑलवेज इम्पार्शियल, ए पंच हैड नेदर फ्रेंड नॉर एनिमी। तो बच्चों ये आप कर लेना इसका आंसर, ओके। थर्ड नंबर पे देख लेते हैं हम कि किसने कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, पूछा गया है कि ये वर्ड किसने किससे कहे हैं। पहला सेंटेंस दिया गया है स्टेटमेंट द पंच नोज नेदर फ्रेंड नोर एनिमी, ये किसने कहे हैं बच्चों? ये हमारा कहा है ओल्ड आंट ने जुम्मन से, जब वो कहती हैं कि अलगू चौधरी को पंच बनाया जाए, तब वो कहती हैं कि जो पंच होता है ना वो किसी का फ्रेंड और किसी का शत्रु नहीं होता, तो ओल्ड आंट कहती हैं जुम्मन से। सेकेंड स्टेटमेंट है बच्चों हमारा I have done all I could, मैंने आपको पहले ही बताया था ये कि ये हमारा स्टेटमेंट आएगा जुम्मन ने कहा था अलगू चौधरी से, ये जुम्मन said to अलगू चौधरी। थर्ड नंबर पे देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि जब उसने कहा था ना कि मैंने सब कुछ किया है, जैसे मेरी आंट ने बताया था मैंने उनकी सेवा की है जितना मेरे से हो सका, तो ये उस सेंटेंस के लिए है। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपनी सुरक्षा में क्या कहते हो, ये किसने कहा बच्चों? ये कहा अलगू सेड दिस वर्ड टू जुम्मन, अलगू ने कहे थे ये वर्ड जुम्मन से, जब उसने सारा केस लाया जाता है पंचायत के सामने तब बताया जाता है कि वैन ही ऑक्यूपाइड द सीट ऑफ द हेड, जब उसे हेड की सीट दी जाती है ना अलगू चौधरी को, तब वो कहता है वो न्याय करना चाहता है, तब वो कहता है कि तुम अपने डिफेंस में क्या कहते हो। तो बच्चों इसका रहेगा अलगू सेड दिस वर्ड टू जुम्मन वैन ही ऑक्यूपाइड द सीट ऑफ द हेड ही वॉज कीन टू डू जस्टिस, क्योंकि वो उत्सुक है और वो न्याय करना चाहता है, इसलिए वो जुम्मन से कहता है कि तुम अपनी सुरक्षा में तुम अपने डिफेंस में अब क्या कहना चाहते हो। आगे बच्चों डी नंबर में देख लेते हैं चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन, देखो हमें तीन वर्ड दिए आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। फाइट फॉर ए केस, नो, लड़ना किसी केस के लिए नहीं, हमारा इसका आंसर रहेगा एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। डिसीजन का मतलब होता है ए चॉइस और ए जजमेंट, और कंसर्न का मतलब होता है बच्चों मॉरल सेंस। तो इस तरह से आप अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट कर लोगे। डी के ऑप्शन मैंने आपको बताए दिए हैं, फर्स्ट का ऑप्शन ए रहेगा, सेकंड का ऑप्शन ए रहेगा और थर्ड का ऑप्शन बी रहेगा। और बच्चों ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, ए और बी का आंसर, ए का आंसर ये है, बी का आंसर ये है, और सी किसने किससे ये कहे शब्द ये भी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपनी फेयर प्ले वाली वर्कशीट कंप्लीट करना, अपने मैडम को सेंड करना। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।